हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब अगर किसी को बवासीर हो जाता है तो ये बीमारी क्या होता है, ये कैसे होता है लोगों को, ये होने का कारण क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को हो जाता है तो ये क्यों होता है, होने का कारण क्या होता है, इसको होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं और इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को जानकारी रहना ही चाहिए और इस तरह के पेशेंट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों की नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये पाइल्स क्या होता है, ये बवासीर होता क्या है। ये एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें देखा जाता है वेनस आप रेक्टम जो होता है वहाँ पर सूजन हो जाता है, और सूजन होने के कारण कभी कभी देखा जाता है कि वहाँ पर ब्लीडिंग होने लगता है, जिसको कहा जाता है हीमोराइड्स। इतना बात आपको समझ में आया ना। ये जो पाइल्स होता है ये दो रूप में देखे जाते हैं, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है। जो एक्सटर्नल होता है ये बाहर की तरफ सूजन होता है, जो इंटरनल होता है वो अंदर की तरफ सूजन हो जाता है। तो ये दो रूप में देखे जाते हैं, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल का मतलब होता है अंदर की तरफ सूजन होगा, एक्सटर्नल का मतलब होता है कि बाहर की तरफ सूजन हो जाता है। तो ये दो रूपों में देखा जाता है पाइल्स। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत ही बेसिक बस बात बताएं कि ये बवासीर का बीमारी होता क्या है। अब बात करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को पाइल्स मतलब बवासीर हो गया है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो चलिए लक्षण के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी को पाइल्स हो जाता है मतलब बवासीर का बीमारी हो जाता है तो देखा जाता है कि उनके लंप में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है जब वो स्टूल को पास करने जाते हैं। वहाँ पर ईचिंग देखा जाता है, खुजली होना देखा जाता है, डिसकम्फर्ट फील होता है क्योंकि वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है, दर्द होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्ट फील होता है। कभी कभी स्टूल में ब्लड भी आने लगता है, ये भी देखा जाता है। अचानक से ब्लीडिंग होने लगता है, ये भी देखा जाता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं जो कि देखे जाते हैं अगर किसी को पाइल्स की बीमारी हो गया है, अगर किसी को बवासीर हो गया है तो उनमें बस यही सारे लक्षण देखे जाते हैं। लंप में दर्द होना, ईचिंग होना, डिसकम्फर्ट फील होना, स्टूल में ब्लड आना, सडनली मतलब अचानक से कभी कभी ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी को पाइल्स हुआ है। समझ गए आप लोग। अब इन्हीं लक्षण को देख करके इन्हीं लक्षण को ठीक किया जाता है पेशेंट को, क्योंकि हमें इसी से पता लग गया है कि पेशेंट को क्या हुआ है, पाइल्स हुआ है। यही लक्षण को देख करके अनुमान लगता है और कोई बात अलग से नहीं देखा जाता है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात तो अभी मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं, वो क्या नहीं बताया कि ये बवासीर बीमारी होने का कारण क्या होता है, ये लोगों को क्यों हो जाता है पाइल्स की बीमारी। तो चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं और फिर सारे के सारे दवाइयों के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आप लोग बोर हो करके मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आज इसके बारे में पूरा डिटेल बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि इनको बवासीर हो गया है, इनको बवासीर हो गया है, इनको पाइल्स की बीमारी हो गया है, ये पाइल्स की दवाइयाँ होता है, ये बवासीर की दवाइयाँ होती है, पाइलेक्स हो गया, उसके बाद P6 हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। तो इन सारी दवाइयों को खाया जाता है इसको ठीक करने के लिए। लेकिन क्यों होता है ये बीमारी, होने का कारण क्या होता है, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? तो दोस्तों, पाइल्स की बीमारी मतलब बवासीर होने का बहुत सारा कारण होता है। जिन लोगों के पेट में कब्ज बन जाता है और वो लंबे समय तक रहता है, उसकी भी वजह से देखा जाता है कि उनको क्या होता है। तो ये भी एक कारण होता है कि लंबे समय से पेट में कब्ज बना हुआ है, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि लोगों को पाइल्स की बीमारी हो जाता है, बवासीर हो जाता है। लंबे समय से अगर मान लीजिए किसी को डायरिया हुआ है मतलब बार बार स्टूल पास करने जाते हैं, दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार, और ये लंबे समय से इनका बना हुआ है, तो इसकी वजह से भी देखा जा सकता है कि उनको पाइल्स डिजीज हो सकता है। या फिर लिफ्टिंग हैवी वेट, ज़्यादा वजन अगर जो लोग उठाते हैं तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि उनको पाइल्स की बीमारी हो जाता है। या फिर स्ट्रेनिंग पासिंग स्टूल की वजह से भी देखा जाता है। और जिन लोगों का ओवर वेट हो जाता है, जिनका वेट ज़्यादा हो जाता है, तो उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि उनको पाइल्स की बीमारी हो जाता है, बवासीर हो जाता है। तो बवासीर होने का केवल एक दो कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक डायरिया, लिफ्टिंग हैवी वेट, स्ट्रेनिंग पासिंग स्टूल, ओवर वेट, इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से देखा जा सकता है कि पेशेंट को पाइल्स की बीमारी हो गया है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। लेकिन ट्रीटमेंट जानने से पहले एक बात और जान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी को बवासीर हो जाता है तो उसको कन्फर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं बवासीर में कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। टेस्ट की बात करें तो सबसे पहला फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट से पूछा जाता है कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं।
तो अगर कहेंगे मान लीजिए हमारा पेट जाम हो गया है, बहुत दिन से पेट नहीं साफ हो रहा है, तो और बहुत ज़्यादा दर्द होता है स्टूल में और वहाँ पर सूजन हो गया है, तो इसके माध्यम से भी अनुमान लग सकता है कि हाँ पेशेंट को इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो पेशेंट से बातचीत करके जो अनुमान लगाया जाता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, दूसरा होता है रेक्टल टेस्ट। तो रेक्टल टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि पेशेंट को क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, पाइल्स हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है रेक्टल टेस्ट के माध्यम से। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? तो दोस्तों अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप शुरुआत से ही इंतजार कर रहे थे कि बस ट्रीटमेंट ही बताइए, केवल और केवल मेडिसिन के बारे में ही बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे आते हैं, उन्हें केवल और केवल बीमारी का नाम जानना है और उनको केवल दवाइयों का नाम जानना है, उसी में वो हैप्पी रहते हैं। तो चलिए अब आपकी बारी शुरू होता है, अब मैं बताने जा रहा हूँ इसके इलाज के बारे में, सारी की सारी दवाइयों के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ जिस बुक का नाम है ए टू जेड मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में WhatsApp पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप WhatsApp पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले आपको बताऊंगा पाइल्स ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन को, जो कि इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। अब एंटीबायोटिक मेडिसिन में आप मोक्सिकाइंड CV-625 दे सकते हैं या फिर जेनफ्लॉक्स 200 दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक दिया आता है, जो कि दोनों एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। इतना बात समझ में आया ना आप लोगों को? मोक्सिकाइंड CV-625 जो होता है इसमें एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट पाया जाता है, जो कि ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। उसी हिसाब से ये जो है ओफ्लॉक्सिन टैबलेट, जो कि जेनफ्लॉक्स के नाम से फेमस होता है, ये भी मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। दोनों एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, तो दोनों में से कोई एक मेडिसिन दिया जाता है। अगर हम डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन BD-TDS इसको दिया जा सकता है, ज़्यादातर दो ही बार दिया जाता है दिन भर में, वो भी खाना खाने के बाद, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को इसको दिया जाता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है स्टेप्टोविट ई टैबलेट। आप देखिए ये मेडिसिन क्या है, स्टेप्टोविट ई टेबलेट जो है ये इटामाइसलेट के नाम से फेमस होता है, जो कि ये 500 mg का मेडिसिन होता है, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। अब इनका काम क्या होता है, ये दोस्तों जो मेडिसिन होता है स्टेप्टोविट ई टेबलेट, ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो अगर मान लीजिए किसी को बवासीर हो जाता है तो उस तरह के लोगों में देखा जाता है स्टूल में ब्लड आना या फिर सडनली ब्लीडिंग आना, ये दो बात आपको बताया ना लक्षण में, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उस ब्लीडिंग के इलाज के लिए दिया जाता है स्टेप्टोविट ई टेबलेट, जो कि वो उसको रोकने का काम करता है। डोज के बारे में बात करें तो सेम डोज जो एंटीबायोटिक बताएं उसी के साथ इसको भी दिया जाता है, एक टैबलेट दिन भर में 1 से 2 से 3 बार दे सकते हैं आप लोग अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। दिन भर में 2 बार देंगे तो एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को देंगे, 3 बार देना है तो एक टैबलेट सुबह एक बार दोपहर एक बार शाम को दिया जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो लीवोसिट्रिजिन है और ये एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन लियोसिट्रिजिन, जिनका काम होता है एलर्जी को ठीक करना, इचिंग को ठीक करना। तो मैंने देखिए आप लोगों को जितने सारी दवा के बारे में बताए हैं, ब्लीडिंग को रोकना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करना, उसके बाद एलर्जी को ठीक करना, इचिंग को ठीक करना, ये सारी बात आप लोगों को इसके बेसिस पर बता रहा हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सारी वीडियो देखिए, ये सारी जानकारी आपको रहना चाहिए। जैसे कि ब्लीडिंग हो रहा है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, या फिर सडन ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर ईचिंग हो रहा है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर एलर्जी हुआ है, तो एलर्जी ईचिंग के लिए लीवोसिट्रिजिन मेडिसिन, उसके बाद ब्लीडिंग के लिए एक और मेडिसिन बताएं स्टेप्टोविट करके। तो इसी बेसिस पर, इसी सिम्टम के बेसिस पर सारी दवाइयाँ दिया जाता है। और यही बात आपको नहीं पता रहेगा तो आप मेडिसिन को नहीं समझ पाएंगे कि ये मेडिसिन क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है। इसीलिए मैं इतना सारा बात आप लोगों को बताते हैं, जैसे कि सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है, मोक्सिकाइंड CV-625, जेनफ्लॉक्स 200, दोनों में से कोई एक दिया जाता है, उसके बाद एक दिया जाता है स्टेप्टोविट ई टेबलेट, जो कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूजफुल माना जाता है, उसके बाद लीवोसिट्रिजिन जो कि एलर्जी और ईचिंग को ठीक करने के लिए दिया जाता है, लीवोसिट्रिजिन टैबलेट। इतना बातें समझ में आया ना आप लोगों को? जस्ट उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, मैंने बताया ना जिन लोगों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हुआ रहता है, लंबे समय से पेट में कब्ज बना हुआ रहता है, तो उस कब्ज को ठीक करने के लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, क्रीमालेक्स दिया जाता है, डेल्कोफ्लेक्स भी आता है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ आता है पेट को साफ करने वाला। तो केवल यही नहीं, कोई भी आपको मिल जाता है
तो कॉन्स्टिपेशन का कोई भी अच्छी दवा आप दे सकते हैं उनको। अगर मान लीजिए आपके पास ये नहीं भी है तो कोई भी आप कॉन्स्टिपेशन की बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन आप पेशेंट को दे सकते हैं। समझ गए आप लोग। तो इनका काम क्या होता है, ये स्टूल को सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं जिससे स्टूल आसानी से बाहर निकल सके। इसको दिया जाता है एक टेबलेट रात में सोने से पहले, खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ क्रीम के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को क्या हो गया, बवासीर हो गया है, वहाँ पर सूजन हो गया है, वहाँ पर दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए, सूजन को ठीक करने के लिए क्रीम दिया जाता है। क्रीम की बात करें तो एक आता है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेल। स्पेलिंग नहीं दिख रहा है अगर आप लोगों को तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे जो लोगों को नहीं दिख रहा है कलर को कौन सा लूँ, ये कलर दिख रहा है ठीक, तो इस कलर को ले लेता हूँ, LIGNOCAINE लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेल। तो ये एक सबसे पहला जेल हो गया। अगर मान लीजिए ये लोक्स टू जेली के नाम से फेमस होता है, LOX 2% जेली के नाम से फेमस होता है ठीक, तो ये मिल जाता है तो भी ठीक है। अगर ये नहीं मिलता है तो उसकी जगह पर आप गो स्मूथ ले सकते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं, हेडेंसा आता है, पाइलेक्स आता है, तो कोई भी मिल जाता है तो उस एरिया में लगाने के लिए इसको दिया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसको अप्लाई किया जाता है 5 मिनट पहले। अब 5 मिनट पहले कब अप्लाई किया जाता है, जब आप स्टूल पास करने जाते हैं तो वहाँ पर सूजन बना रहता है, टाइट रहता है, दर्द होता है, तो रेक्टम वाले पार्ट में स्टूल पास करने से 5 मिनट पहले इसको वहाँ पर लगा दिया जाता है, जिससे वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ का एरिया एकदम सॉफ्ट हो जाता है, जिससे सारा का सारा स्टूल आसानी से बाहर निकल सके। तो इसीलिए इसको दिया जाता है। समझ में आया ना आप लोगों को एकदम अच्छे से। कुछ अदर मेडिसिन के बारे में बात करें तो अदर मेडिसिन भी आता है, जैसे कि दोस्तों अर्शकल्प आता है, एक पाइलेक्स आता है, सबसे बेहतरीन एक P6 करके कैप्सूल आता है। P6 जो होता है, अगर मान लीजिए ज़्यादा किसी का कंडीशन ख़राब है तो आप दो दो कैप्सूल ले सकते हैं, ज़्यादा खतरनाक अगर हो गया, नहीं तो एक एक लिया जाता है P6 को। P6 करके एक कैप्सूल आता है, एक सुबह एक शाम को लगातार इसको एक डिब्बा खा लिया जाता है, जिससे एकदम अच्छे से वो ठीक हो जाए, बहुत तेज़ी से वो अपना असर दिखाता है। तो P6 ले सकते हैं, पाइलेक्स ले सकते हैं, अर्शकल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर P6 मिलता है तो वो बहुत ही बेहतरीन होता है, उसका असर जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। पाइलेक्स का क्रीम भी आता है, जिसको उस एरिया में लगाया जाता है जहाँ पर स्वेलिंग हुआ रहता है। समझ में आ गया ना आप लोगों को एकदम अच्छे से। तो चलिए दोस्तों एक और बात बता देता हूँ, अगर मान लीजिए किसी ने इतना सारा दवा खाया, इस्तेमाल किया, नहीं ठीक होता है, तो लास्ट सर्जरी किया जाता है, और सर्जरी के मेथड से इसको ठीक किया जा सकता है। सर्जरी के मेथड की बात करें तो बैंडिंग होता है, स्क्लेरोथेरेपी होता है, इंफ्रारेड कोंगुलेशंस होता है, उसके बाद हीमोरेक्टमोलॉजी होता है, उसके बाद और भी होता है, तो इस प्रकार से कुछ सर्जिकल मेथड होता है जिसके माध्यम से उसको कंफर्म किया जाता है क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, कैसे ठीक किया जाए, कैसे नहीं ठीक किया जाए। तो ये लास्ट मेथड होता है सर्जिकल मेथड, जिसके माध्यम से इसको ठीक किया जाता है। तो दोस्तों आज आप लोगों को मैंने पाइल्स के बारे में, मतलब बवासीर बीमारी के बारे में पूरी बात बता दिया हूँ कि ये पाइल्स की बीमारी क्या होता है, बवासीर क्या होता है, बवासीर होने का कारण क्या होता है, बवासीर होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, इसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, फिजिकल टेस्ट होता है, रेक्टल टेस्ट होता है, सारी बात बता दिया हूँ। अब आपको एक काम करना है कि अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। एक बात और, जो लोग नए छात्र हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही आपको मिल जाएगा, तुरंत आप वहाँ पर हमें फॉलो करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।